वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम लाए हैं एक नए शूज़, वो है अंडर आर्मर के और वो है एक स्पेशल एडिशन शूज़। तो मैंने उसकी बॉक्स अनबॉक्सिंग सब कर दी है, टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करते। तो जल्दी से मैं आपको अपने शूज़ बात करें इसके अंदर की कम्फर्टनेस की, तो बहुत अच्छा अंदर, मतलब पूरा लेदर टाइप अंदर मटेरियल है और यहाँ पे कुछ स्पॉन्ज टाइप दिया हुआ है अंदर, आप देख सकते हो अगर, तो पूरा अंदर स्पॉन्ज टाइप अलग से लेयर दे रखा है। अब अंदर देख सकते हैं 3C की ब्रांडिंग दे रखी है और अलग से जो हमारा फुट होता है उसके लिए अलग से मतलब सब दे रखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसके और फीचर्स देखते हैं, चलो आगे। हमारे पास आ चुके अभी अंडर आर्मर के 3C एडिशन। मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है लेकिन हम इसकी क्वालिटी चेक करेंगे। और आप देख सकते हैं अंडर आर्मर की यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है, इसको हम जल्दी से अंदर रख देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा किसी का साइन और पूरा 3D लुक आ रहा है इसमें, बहुत एलिगेंट लुक आ रहा है। और यहाँ पे 3C लिखा हुआ है और ये एक स्पेशल एडिशन शूज़ है। यह मैंने यूनाइटेड स्टेट से मंगाया है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कितनी अच्छी लुक आ रही है, पीछे से भी यहाँ पे कुछ दे रखा है। और अगर बात करें इसकी क्वालिटी की तो ये बहुत अच्छा लगा, आप देख सकते हैं पूरी ग्रिप भी बहुत अच्छी दी गई है इसमें, हाँ बहुत अच्छी ग्रिप दी गई है यहाँ पे और रफ एंड टफ क्वालिटी। और एक स्नीकर है ये और बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे अंडर आर्मर का आपको लोगो देखने को मिल जाएगा और ऐसा लग रहा है तो बहुत क्लासी। और यहाँ पे भी आपको अंडर आर्मर की ब्रांडिंग, ओके यहाँ पे अंडर आर्मर की ब्रांडिंग नहीं है, यहाँ पे 3C लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है आई कैन डू ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे एक डायलॉग भी लिखा है इन लोग का, तो बहुत अच्छा शूज़ लग रहा है मेरे को, ये एकदम पूरा शाइन मार रहा है। यहाँ पे कुछ डॉट टाइप्स डिज़ाइन दी हुई है जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है और यहाँ पे कुछ लाइंस वाली डिज़ाइन दी है जो बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपको लूज के दूसरे कंपार्टमेंट दिए हुए लेकिन मेरे को इतने में अच्छा लग रहा है। बात करें इसकी अपर क्वालिटी तो मुझे लग रहा है ये पूरा, मुझे इतना पता नहीं चल रहा लेकिन अगर मुझे थोड़ा थोड़ा लेदर टाइप मटेरियल लग रहा है। यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है, नहीं यहाँ पे अंदर नहीं लिखा हुआ। ये साइज़ है USA 9 और UK 8 साइज़ है ये, तो बहुत क्लासिक शूज़ लग रहा है मेरे को ये, मतलब लुक्स में भी इतना अच्छा। यहाँ पे आपको अंडर आर्मर की दूसरी ब्रांडिंग मिल जाएगी और ग्रिप की जो डिज़ाइन है वो भी बहुत क्लासिक दी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कमिट ट्रस्ट कमिटमेंट केयर TCC ऐसे लिखा हुआ है। और ये करीब करीब मुझे मिल गए थे $380 के अंडर आर्मर के शू, 380 या फिर 280, हाँ 280 तक का मुझे ये शू मिल गया था। तो बहुत मुझे लग रहा है ये पैसा वसूल शू है, मैंने इसको पहना हुआ है। और यहाँ पे इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो पूरी हार्ड एंड रफ एंड टफ क्वालिटी है ये, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके तो ये अभी मुझे पता नहीं इंडिया में मिल रहा है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं विज़िट नहीं करता अंडर आर्मर के शू, वो तो मैंने वहाँ पे अंडर आर्मर का जो शोरूम था वहाँ पे विज़िट किया, तो मुझे बहुत क्लासी शू लगा जब मैंने ये ले लिया। और मैं जल्द दूसरा ऐसा अंडर आर्मर का मंगाया लेकिन वो कॉमन है तो उसके भी हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर डालेंगे। वो जो है पूरा मतलब स्नीकर्स टाइप है, जो स्केचर्स के शू आते हैं वैसे है वो भी अंडर आर्मर के हैं, तो उसके भी हम अनबॉक्सिंग कर लेंगे। तो अगर शूज़ आपको पसंद है, अगर रिव्यू पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना गाइस, एंड लेट मी गेट अनदर वीडियो देन, बाय।